दोस्तों आज है संडे और संडे मॉर्निंग यूजुअली आई स्टार्ट विथ सम बिट ऑफ होमली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में पहला था द पहला थिंग द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड दैट इज अबाउट द पुशअप एटलीस्ट दो सेट में पुशअप किया पुशअप करने के बाद आई डिड सम प्लैंक एक्चुअली पुशअप आपका जो इंटायर क्या बोलूँ बॉडी को थोड़ा सा चर्चअप कर देता है और प्लैंक इज गुड फॉर द स्टमक सो ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सरसाइज नहीं है पर ट्रस्ट मी कुछ भी करो 15-20 मिनट के एक्सरसाइज और कर लोगे ट्रस्ट मी दैट हेल्प्स टू गेट द एनर्जी एंड हम लोग का शरीर के अंदर जो हैप्पी हार्मोन होता है ना जो हम लोग को खुश रखता है दैट इज इंक्रीज्ड सो हर सुबह आपको तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए तो दोस्तों एक्सरसाइज करके थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट और आज ब्रेकफास्ट में क्या है लेट मी शो यू अप दिस इज द रॉ वेजिटेबल्स लिटिल बिट बॉयल किया गया है एंड ये पूरा सूप और वेजिटेबल एक्चुअली सुबह में ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल और फ्रूट्स ये दोनों खाना ही मैं खाता हूँ नॉट आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स बिकॉज मॉर्निंग में आई हैड सम बनानास समथिंग गुआवा ऑल द स्टफ्स और थोड़ा सा एक दो घंटे बाद आई टेक दिस रॉ वेजिटेबल्स एक्चुअली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से क्या हो जाता है आपका जो मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है एंड यू गेट द इंस्टेंट एनर्जी एंड इंस्टेंट कॉन्फिडेंस कोई ना कोई हॉबी होता है मेरा भी हॉबी है और मेरा हॉबी है फिशिंग फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना नहीं मछली पालना यू कैन सी इन माय ऑफिस आल्सो एट माय होम देयर आर टोटल 3 एक्वेरियम्स और हर महीने इस एक्वेरियम का जो मेरा मछली है यू कैन सी ये जो सबसे बड़ा मछली है थोड़ा सा डर रहा है और इसको क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम सो टुडे संडे घर में आज काम थोड़ा सा कम था सो आई केम एट माय ऑफिस टू क्लीन इट अप तो देख सकते हो आधा पानी ऑलरेडी खत्म ऑलरेडी मैं बाहर फेंक दिया हूँ नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द ग्लासेस ग्लास को ऐसे घिस घिस कर आपको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि पानी रहते रहते क्या होता है आयरन का एक लेयर पड़ जाता है तो थोड़ा सा यू नो जस्ट लाइक फॉगी हो जाता है अंदर अभी भी अंदर बहुत सारे जस्ट लाइक मैन है बट सभी मैल को इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू टेक इट आउट तो फिल्टर भी है तो आधा 90% मैल तो मैंने बाहर कर दिया और बाकी जो सब है उसको क्या करना पड़ेगा थोड़ा फिल्टरेशन के द्वारा थ्रू द फिल्टरेशन वी हैव टू टेक इट आउट दोस्तों मछली जल की प्राणी है तो इसीलिए पानी डालना ज़रूरी है एक्वेरियम में तो एक्वेरियम क्लीन करने के लिए आधा पैम एक्वेरियम का पानी फेंक दिया था तो अभी उसको डालने का काम चल रहा है आप देख सकते हो ऑल माय फिशेस दे होप सो दे आर वेरी एंजॉइंग आज इन लोग का बथिंग टाइम है तो नहाकर हम लोग जैसे खुश होते शायद मेरे मछली लोग भी नहाकर आज खुश हो रहे हैं बाबू खुश होना आज ये से देख सकते हो आप ये मुँह हिलाकर आपको भी बोल रहा है ही इज सो हैप्पी टुडे भी देख सकते हो पानी अभी इतना भी क्लियर नहीं है थोड़ा सा फॉगी फॉगी है बट इट इज़ अ नेचुरल थिंग जस्ट पानी डाला है इसीलिए इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है अभी ये अभी फिल्टरेशन चालू करना है 5-6 घंटा फिल्टरेशन होने के बाद एक्वेरियम को जब पंप लगा रहता है उसके बाद पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये हो गया पहला वाला एक्वेरियम जो बड़ा एक्वेरियम इसका क्लीनिंग प्रोसेस अभी जाते हैं दूसरा एक्वेरियम ये देख सकते हो इस एक्वेरियम में बहुत सारे एंजल फिशेस है ये लोग भी बहुत दिन से नहीं नहा है द ब्लैक वन इज माई फेवरेट और ये भी बहुत ही फेवरेट है इसका नाम नहीं पता इसको थोड़ा सा ब्लू क्या बोलते हैं पता नहीं डोंट नो बट दिस एक्वेरियम इज ऑल्सो माई फेवरेट इसका पानी इतना गंदा नहीं है बिकॉज छोटे छोटे मछली है तो अभी इसका भी पानी ज़्यादा चेंज करना है तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वाटर चेंज ऑफ दिस एक्वेरियम ऑल्सो दोस्तों इससे बोला जाता है वाटर क्लीनिंग पाइप तो इससे क्या हो जाता है इसका जो ये वाला जो मुँह है इसको पानी के अंदर डालना पड़ेगा चलो यह डाल दिया और इससे पंप करना पड़ेगा तो इससे क्या हो जाता है जो अंदर का जो नीचे का जो पानी है वो पूरा पंप से बाहर आ जाएगा ये देख सकते हो पानी अभी बाहर आ रहा है पूरे एक दो बल्ती पानी चेंज करना है
तो चलिए पहले पानी चेंज कर लेते हैं। ये लोग सोच रहे हैं इन लोगों को खाना वाना मिल रहा है। अरे भाई तुम लोग को कोई खाना नहीं मिल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम लोगों का नहाने का डेट है, पहले नहा धो लो उसके बाद खाना मिलेगा। ये मेरा जो लालची मछली है, हर वक्त मैं जब सामने आता हूँ देख सकते हो ये खाने के लिए झपट पड़ते हैं। दे आर वेरी फूडी। तो पूरा एक्वेरियम का जो पानी मैंने डाला था ये पूरा भर चुका है। As you can see, that is, ये जो वाटर लेवल पूरा भर चुका है, नहाना कंप्लीट। अभी नहाने के बाद फिल्ट्रेशन इस एक्वेरियम में भी चालू करेंगे, वो दोनों एक्वेरियम का ही फिल्ट्रेशन होने के बाद इसका जो पानी का जो कलर है ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी जाना है लोकल फिश मार्केट, मीन्स एक्वेरियम का जो मछली जहाँ पर पा जाते हैं, टू गो देयर। इट इज जस्ट नियर बाई, 10 से 15 मिनट लगता है बाइक से, 5 से 7 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेगा। तो एक्चुअली आज संडे है, संडे के टाइम में क्या होता है ज़्यादा हाट से जो मछली आता है, जो बड़ा जो मछली का बाजार होता है एक्वेरियम का फिश रखने का, तो वहाँ से दुकान पे मछली आता है। तो आज ही 11-12 बजे तक आ जाता है। तो अभी भी जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं जो लेटेस्ट स्टॉक, जो अच्छा स्टॉक से अगर कोई पसंद आया तो 2-4 मछली भी आज खरीदना है, और मछलियों का जो खाना वो भी खरीदना है। मेरे घर में जो पैरट है उसका भी खाना खरीदना है। तो सब कुछ मिलाकर कुछ खरीदारी है इन द दुकान ऑफ द एक्वेरियम फिश। तो चलिए पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। So, दोस्तों ये है 3 नए मेंबर, ये है एक प्लैटिनम एंजल और इसके साथ है ये 2 प्रॉन। ये देख सकते हो जिसको देसी भाषा में बोला जाता है चिंगड़ी, ये प्रॉन मैंने खरीदा है 2। बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, बहुत ही कलरफुल है। ये खाने का प्रॉन नहीं है, ये बेसिकली एक्वेरियम में रखने का प्रॉन है, और ये है प्लैटिनम। तो अभी इन लोगों को छोड़ने का टाइम है, तो वेलकम इन द न्यू होम। तो इसको दोस्तों छोड़ देते हैं इन द एक्वेरियम। अरे क्या हो गया, निकल निकल निकल। हाँ चलिए यार अभी ये बाहर आ चुका है। यस हियर इट इज। दोस्तों अभी भी पानी इतना भी क्लीन नहीं हुआ है, बिकॉज अभी थोड़ा सा फिल्ट्रेशन बाकी है। तो होने के बाद इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। अभी ये जो प्लैटिनम है और ये जो प्रॉन है, थोड़ा सा डर के मारे वो लोग छुप गए, क्योंकि नया घर है तो थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा उन लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए। होने के बाद दे विल कम इन देयर रियल फॉर्म। तो चलिए इन लोगों को अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खाना वाना देकर अभी निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों आज एक जबरदस्त मूवी देख रहा हूँ, जस्ट टोरेंट से डाउनलोड किया। मूवी का नाम है द लास्ट विच हंटर। एक्चुअली आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ हॉलीवुड मूवीज, और ये विन डीजल का मूवी है, और जो है ना टकला सा विन डीजल। तो विन डीजल का मूवी ऐसे ही तो बहुत ही अच्छा होता है, जस्ट इट ही इज अ सुपरस्टार। और ये वाला मूवी मैंने देखा नहीं था, नया वाला मूवी है द लास्ट विच हंटर, विच उसका मूवी, वैम्पायर्स का मूवी। ये जो सीरीज ऑफ मूवी होता है इट जस्ट टेक्स मी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड ट्रस्ट मी आई जस्ट लव टू वॉच दिस काइंड ऑफ एडवेंचरस मूवी। आई नो दिस इज ऑल अबाउट द science friction, something about imagination, but despite of that the content of the movie is so awesome, and trust me it's so much mysterious. So ye movie chal raha hai Vin Diesel ka the last winch hunter, sunday ke shaam hai, aaj sunday aaj shaam ko ek movie bhi dekhna jana tha, chapak, I plan to go chapak, but trust me itna mausam pain ho raha tha, so maine decide kiya aaj bahar nahi jana hai, to ghar mein hi movie ko download karke ek acha movie dekh liya. To ek geeta mein ek baat hai na, jab bhi kuch hota hai acche ke liye hota hai, to nahi gaya shopping mall में
में सॉरी मॉल में मूवी देखने के लिए छपा के अगर मॉल में जाता 200 का टिकट हो जाता है, 100 का खाना खाना खा जाता, 50 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता गाड़ी में 350-400 का, तो फू हो जाता। बट घर में बैठे मूवी को डाउनलोड करें अगर देखोगे तो क्या हो जाता, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में घर में बैठे चाय पीते पीते आई हैड अ कप ऑफ कॉफी एंड वॉचिंग द मूवी ऑफ द लास्ट विच हंटर, ट्रस्ट मी इट इज मेकिंग मी सो मच एडवेंचरस। सो दोस्तों रात हो चुका है, मेरा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है और एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज एक्चुअली ठंड थोड़ा सा कम हो चुका है और ठंड कम हो जाने के लिए जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था डेज ये कंबल, अगर कंबल मैं यूज़ करता हूँ रात को मीन्स इफ यूज़ द कंबल, कंबल अगर ओढ़ के मैं सोता हूँ तो ज़बरदस्त गर्मी लग रहा है और अगर कंबल में यूज़ नहीं करता हूँ तो ठंड लग रहा है। तो ये वाला जो टाइम होता है इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द कंबल एंड क्विल्ट। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड में तो यूज़ हो जाता है कम्फर्टली, कोई इशू नहीं है। तो ये बीच वाला जो ठंड है, ये बीच वाला जो ठंड है मीन्स ठंड जा रहा है गर्मी आ रहा है, इस टाइम पर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि शायद क्या करें क्या नहीं करें। और थोड़ा सा ठंड भी लग चुका है, एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है अभी, विंटर इज लिविंग अस, समर इज कमिंग, तो थोड़ा सा नाक भी बंद है तो वॉइस एंड साउंड इज कमिंग समथिंग लाइक हिमेश रेशमिया। नाउ टाइम फॉर द स्लीप। सो गाइस चलिए क्या करें, पता नहीं कब तक ऐसे ही कंबल यूज़ कर सकते हो, शायद आप में से भी बहुत लोग ऐसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कंबल यूज़ करता हो तो गर्मी, अगर कंबल नहीं यूज़ कर रहे हो तो ठंड लग रहा है रात को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, व्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, अगर व्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।